एक गांव में दो बच्चे रहते थे, छोटा 7 साल का और बड़ा 10 साल का था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर निकल आए और एक कुएं के पास खेलने लगे। खेलते खेलते बड़े बच्चे का अचानक पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। यह देखकर छोटा बच्चा बहुत घबरा गया। उसने आसपास देखा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसकी नजर कुएं के पास पड़ी एक रस्सी पर पड़ी। उसने वह रस्सी कुएं में गिरे हुए बड़े बच्चे के पास फेंकी। बड़े बच्चे ने रस्सी पकड़ ली। छोटे बच्चे ने उस रस्सी के सहारे बड़े बच्चे को खींचना शुरू किया। उस छोटे बच्चे ने बहुत जोर लगाया पर वह बड़े बच्चे को निकाल नहीं पा रहा था। इस कोशिश में उसके हाथ भी जख्मी हो गए थे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने वह रस्सी अपनी कमर पर बांधी और पूरा जोर लगाकर उस बड़े बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगा। छोटे बच्चे ने पूरा जोर लगाया, आखिर वो कामयाब हुआ और उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लाया। बड़े बच्चे को बहुत चोटें आ चुकी थी। इस कोशिश में छोटा बच्चा भी बहुत जख्मी हो चुका था। अब दोनों जख्मी हालत में गांव के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी करते हुए चोटें लगने का कारण पूछा तो दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। पास बैठे लोग भी ये सब सुन रहे थे। उन दोनों की यह बात सुनकर सब हैरान हुए, पर कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक छोटा 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बड़े बच्चे को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। ये सब बातें एक पास में बैठा हुआ बुजुर्ग भी सुन रहा था। उसने कहा कि मैं इन बच्चों की कही हुई बातों पर यकीन करता हूँ। सब लोगों ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह सब सच है? तो बुजुर्ग ने कहा कि जब यह बच्चा उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल रहा था तो उसे कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह छोटा बच्चा भी नहीं जानता था कि वो ये नहीं कर सकता। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि उसे करना है। हम लोग भी तभी हारते हैं जब हम आसपास के लोगों की बातें सुनकर ये मान लेते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते और कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हर कार्य संभव हो सकता है। जैसे छोटे बच्चे ने एक बड़े बच्चे को कुएं से निकाल लिया।